अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज हम आपके साथ एक और वीडियो डिस्कस करेंगे कि किस तरह से यूट्यूब चैनल का सेटिंग किया जाता है। जो कीवर्ड्स है या और सेटिंग है वो आपके साथ लाइव डिस्कस करेंगे, तो बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, चलते मेन वीडियो पे। यहाँ पे मैंने सर्च किया YT स्टूडियो या यूट्यूब स्टूडियो जो है, आप सर्च करेंगे। अगर आपका मोबाइल है तो आपको डेस्कटॉप वर्जन में इसको खोलना पड़ेगा। यहाँ पे ये थ्री डॉट्स का जो ऑप्शन नज़र आया है, मैंने ऑलरेडी डेस्कटॉप वर्जन में इसको खोला हुआ है। अगर मोबाइल नहीं है, पीसी है, तो फिर तो कोई मसला नहीं है, लेकिन मैंने आपको सिर्फ दिखाने के लिए, अगर आपको मोबाइल है तो आप डेस्कटॉप वर्जन में इसको खोलेंगे। यहाँ पे मैंने ये यूट्यूब स्टूडियो को सर्च किया हुआ है, तो यहाँ पे दूसरे नंबर पे साइन इन का ऑप्शन आ रहा है, तो मैं साइन इन हो जाता हूँ तो मैं डायरेक्ट अपने यूट्यूब स्टूडियो में चला जाऊँगा। तो वहाँ से हम अपने चैनल का जो मेन सेटिंग है वो करेंगे, आपको लाइव दिखाएंगे। तो हम अभी वेट कर लेते हैं थोड़ा सा, और आगे आपको दिखा देते हैं कि किस तरह से सेटिंग किया जाता है यूट्यूब स्टूडियो का, जो मेन सेटिंग है यूट्यूब चैनल का। क्योंकि यूट्यूब ऐप पे तो सिर्फ आम जनरल एक सेटिंग का ऑप्शन हमको दिया जाता है, लेकिन मेन जो सेटिंग है वो यूट्यूब स्टूडियो से किया जाता है। थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। तो अभी हम आ गए अपने मेन पेज पे के यूट्यूब स्टूडियो का। तो यहाँ पे बहुत से ऑप्शन हमको नज़र आ रहे हैं, थोड़ा सा मैं जूम कर लूँ। तो यहाँ पे पहले नंबर पे जो है, ये चैनल डैशबोर्ड जो है आपको नज़र आ रहा है। ये आपको आपकी वीडियोस या आपकी व्यूज़ या आपके जो करंट सब्सक्राइबर है या और जो रिलेटेड सारे फील्ड है वो आपको दिखाई दे रहे हैं। फिर हम जाते हैं दूसरे नंबर, तो वीडियो अपलोड्स कंटेंट्स पे हम जाते हैं, तो कंटेंट्स में हमारा जो वीडियो है वो हमको दिखाई दे रहा है कि किस तरह से हमने वीडियो अपलोड की है, और हमारा वीडियो पे कोई रिस्ट्रिक्शन आया हुआ है या नहीं, यानी हमारा कंटेंट जो है वो कंटेंट से ये मतलब है। दूसरे नंबर जो पे जो आपको दिखाई दे रहा है कंटेंट से, मतलब ये है कि आपका जो वीडियो है वो ओरिजिनल है या किसी और का आपने लगाया हुआ है। तो यहाँ पे मेरे अपने वीडियोस है तो कोई रिस्ट्रिक्शन इस पे नहीं है। रिस्ट्रिक्शन का जो यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है तो वो नाउन है और पब्लिक इसको वॉच कर रही है। मैं सिर्फ आपको दिखाने के लिए, ये मेरा दूसरा चैनल है, मैंने सिर्फ सिंपली इसको ओपन किया और मैं इसको चला नहीं रहा, लेकिन आपको दिखाने के लिए कि किस तरह से हम चेक कर सकते हैं कि हमारा कंटेंट जो है रियल है या किसी और का हमने डाला हुआ है। तो फिर तीसरे नंबर ऑप्शन पे हम आते हैं, प्लेलिस्ट में तो हमारा जो वीडियोस होते हैं, थोड़ा सा मैं आपको दिखा दूँ, प्लेलिस्ट में वो वीडियो होते हैं तो जो हम देखते हैं और प्लेलिस्ट में चले जाते हैं। फिर एनालिटिक्स में आ जाते हैं, एनालिटिक्स में जैसे हम आए तो यहाँ पे हमको योर चैनल डिड नॉट गेट एनी रिव्यू, तो यहाँ पे मैंने क्यों कोई वीडियो अपलोड नहीं की है, तो इसलिए यहाँ पे हमको शो हो रहा है कि 28 डेज में 28 डेज में कोई रिव्यू नहीं है, किसी ने भी नहीं देखा आपका वीडियो। तो एनालिटिक्स में हम जब आते हैं तो यहाँ पे हमको सारा रीच, एंगेजमेंट में वॉच टाइम आपको मालूम होगा, रीच में आपको एक ग्राफ की शक्ल में निगाह दे रहा है कि इम्प्रेशन क्या है लोगों के। और फिर यहाँ एंगेजमेंट पे हम दोबारा आ जाते हैं, तो वॉच टाइम हमको यहाँ पे नज़र आ रहा है, क्योंकि ये एक ग्राफ की शक्ल में हमको शो हो रहा है। तो ऑडियंस से मतलब ये है कि जो लोग हमको देख रहे हैं तो उसका जो परसेंटेज है वो हमको यहाँ पे शो होगा।
तो यार पे मैं इस चैनल को चला नहीं रहा हूँ, तो इसलिए ये शो नहीं हो रहा कि ऑडियंस कितने हैं, एंगेजमेंट में क्या है, रीच में क्या है, ओवरव्यू क्या है, ओवरव्यू से यानी कि किसी ने देखा हुआ है या नहीं। फिर कमेंट्स का सेक्शन नीचे जो ऑप्शन आ जाता है ये कमेंट्स का है। फिर दूसरे नंबर पे जो नज़र आ रहा है आपको ये लैंग्वेज का, आप कर सकते हैं एक किस्म का कि आप किस लैंग्वेज से रिलेटेड हैं। फिर यहाँ पे ये जो मैंने कहा कॉपीराइट, आप किसी का कंटेंट, आपका कंटेंट अगर किसी ने यूज़ किया हो तो आप बिल्कुल हक हाँ हासिल के है कि आप यूट्यूब को अपील कर सको कि ये मेरा वीडियो है और इसने इस्तेमाल की हुई है, तो वो उसे टाइम उसको डिलीट कर देगा। तो ये कॉपीराइट का जो एक पॉलिसी है यूट्यूब का, वो आपको बिल्कुल लीगल तरीके से आपको हक हासिल है कि वो आप कर सकते हैं। फिर ये जो डॉलर के लिए हम जो यूरो इस्तेमाल कर रहे हैं कस्टमाइजेशन का, सॉरी मोनेटाइजेशन का, तो यहाँ पे हमको टू स्टेप वेरिफिकेशन, और पहले नंबर पे है सब्सक्राइबर। सब्सक्राइबर जो है वो 1K सब्सक्राइबर हमको चाहिए और 4,000 वॉच टाइम रिक्वायर्ड है। और टू स्टेप वेरिफिकेशन, जब आप कोई जीमेल आईडी बनाते हो तो गूगल से आप उसको वेरीफाई करते हो, तो उसको टू स्टेप वेरिफिकेशन कहते हैं। उसको इनेबल करना जो है वो एक किस्म का यूट्यूब ने लागू किया हुआ है कि इसके बगैर जो है मोनेटाइजेशन जो है वो आपका फ्रू नहीं होगा। तो ये हमने आपके साथ शेयर की मोनेटाइजेशन। फिर यहाँ पे जो कस्टमाइजेशन पे आते हैं, तो कस्टमाइजेशन में हम यहाँ पे देखते हैं कि थोड़ा सा मैं आपको साथ शेयर कर दूँ। जनरल फॉर पीपल हु हैव नॉट सब्सक्राइब, ये उस लोगों के लिए अगर आप ऐसे वीडियो को डालना चाहते हैं इस पे के उसने सब्सक्राइब नहीं किया हो आपके चैनल को। और दूसरे नंबर पे फ्यूचर वीडियो फॉर रिटर्निंग सब्सक्राइबर, अगर आपका चैनल किसी ने सब्सक्राइब किया हुआ है और आपका चैनल बार बार देख रहा है, तो आप उसके लिए कोई दूसरे वीडियो इस पे डाल सकते हो। तो यह ऐड का ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे आप अपने वो वीडियो डाल सकते हो। और या फिर ब्रांडिंग का जो ऑप्शन है इस पे हम क्लिक कर देते हैं। ब्रांडिंग में जो है पहले नंबर पर आप अपना पिक्चर लगा सकते हैं, फिर दूसरे नंबर पे जो है बैनर इमेज जो है जो लोगो लोग अपने चैनल पर लगा देते हैं ये वो है, तो ये कैनवास है बहुत आसानी से बन जाता है। तो अगर आप अपने चैनल पे लोगो लगाना चाहते हैं तो यहाँ पे अपलोड का ऑप्शन आपको नज़र आ रहा है, तो यहाँ पे आप अपलोड कर सकते हो। यहाँ पे लोगों ने बहुत सी वीडियो भी बनाई हुई है कि वीडियो वाटरमार्क जो है वो किस तरह से लगाया जाता है। जिस तरह यूट्यूब पे हम देखते हैं कि यूट्यूब का वाटरमार्क या अपना कोई पिक्चर लगाया होता है, वो वीडियो चल रहा होता है और उस पर एक वाटरमार्क जो है वो लगा रहता है वीडियो के शुरू होने, वीडियो के शुरू होने से आखिर तक। तो यहाँ पे हम यो वाटरमार्क, वीडियो वाटरमार्क अपना पिक्चर भी लगा सकते हैं, वो यूट्यूब का वाटरमार्क भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पे अपलोड का ऑप्शन नज़र आ रहा है आपको, तो यहाँ पे भी इतना अगर आप अपलोड पे क्लिक करोगे तो फिर इसमें 3 स्टेप आपको नज़र आएंगे कि किस तरह से आप वाटरमार्क लगाएंगे। इन्हें वीडियो के आखिर में लगाना चाहते हैं, ये वीडियो के शुरू में लगाना चाहते हैं, या स्टार्ट से लेकर आखिर तक लगाना चाहते हैं। तो स्टार्ट से लेकर आखिर तक जो ये ऑप्शन है ये बेस्ट है, क्योंकि आपका वाटरमार्क जो है जैसे ही वीडियो शुरू होता है आखिर तक आपका वाटरमार्क जो है वो आपकी वीडियो में लगा रहेगा। थोड़ा सा ऊपर चले जाते हैं, बेसिक इनपो में हम फिर आ जाते हैं।
तो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन आप अपने मर्जी के लग सकते हो कि किस तरह से किस स्पीड से रिलेटेड है आपका चैनल, तो उसका डिस्क्रिप्शन जो है आपको उम्मीद है आपको